हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है SRIC कॉमर्स बच। स्टूडेंट, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद एमकॉम करने का ट्राई कर रहे हैं, एमकॉम करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले हमें पता करना चाहिए कि एमकॉम करने बाद कौन सी पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हो, किसी भी कंपनी में क्या क्या आपके रोल हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, वहां पे बेल आइकन होगा जिससे राइट टाइम पर राइट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं एमकॉम और एमबीए के कंपैरिजन की बात करता हूं, लेकिन उसके बारे में वीडियो पहले ही डाल चुका हूं। अगर आपको इन दोनों में कंपैरिजन देखना है कौन सा बेस्ट है, किसके बाद कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले बात, तो एमकॉम एक मास्टर्स डिग्री है जो कि 2 इयर्स की होती है ना। अगर आप इसे रेगुलर करना चाहते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको रेगुलर कराती है, ठीक है। और अगर आप इसको डिस्टेंस लर्निंग से करना चाहते हो तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग DU ये इसको कराती है, प्लस इग्नू भी आपको एमकॉम की डिग्री कराती है, प्लस एमकॉम के अंदर स्पेसिफिकेशन भी कराती है आपको इग्नू, है ना। एमकॉम इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, ओके, एमकॉम इन बैंकिंग, एमकॉम इन मैनेजमेंट, इस तरीके से इग्नू क्या है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड में आपको एमकॉम प्रोवाइड कराती है। कई लोगों का स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि भाई मैंने, मुझे पोस्ट अकाउंटेंट बनना है, ठीक है, बट मैं CMA कोर्स नहीं करना चाहता, तो ऐसे स्टूडेंट्स एमकॉम इन पोस्ट अकाउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोर्स बना रखे हैं एमकॉम के अंदर, है ना। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि भाई कौन सी पोजीशंस होल्ड कर सकते हो, है ना, तो पहले तो आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे यहाँ पे। नंबर 1, आप किसी भी MNC कंपनी में, लोकल कंपनी में, डोमेस्टिक कंपनी में आप एज ए अकाउंटेंट का रोल प्ले कर सकते हैं। कम ऑन, क्या बोला मैंने, एज ए अकाउंटेंट का रोल प्ले कर सकते हैं, कहाँ पे, किसी भी डोमेस्टिक कंपनी और किसी भी डोमेस्टिक कंपनी और क्या बोला, कम ऑन जल्दी, MNC कंपनी, इन दोनों में से किसी में भी आप ऐसे अकाउंटेंट का रोल प्ले कर सकते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपके पास आता है टीचिंग फील्ड, यानी कि एमकॉम करने का 80% ऑब्जेक्टिव काफी स्टूडेंट्स को तो मुझे टीचिंग फील्ड में जाना, मुझे लेक्चरर बनना है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एमकॉम करना। एमकॉम कंप्लीट होते ही ना UGC नेट का एग्जाम क्लियर करके लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद जो आता है, अब रोल कौन से प्ले करेंगे, ऐसे नंबर 1 बुक कीपर का रोल आप प्ले कर सकते हो, ऐसे बुक कीपिंग काम कर सकते हो वहां पे, ठीक है। सेकंड, आप वहां पे कर सकते हो फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, है ना, कंपनी के बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उनको एनालाइज करना, है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट करोगे आप एमकॉम में, वहां पे कैसे एनालाइज करना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से कंपनी आपको कैसे, उस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में से कौन से प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, मिनिमम कॉस्ट किस में आ रही है, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का वर्क आप कर सकते हो। अकाउंटेंट की पोजीशन आप बहुत अच्छी जानते हो, अकाउंटेंट का काम कर सकते हो। म्यूचुअल फंड ब्रोकर बन सकते हो आप, है ना, किसी भी कंपनी के अंदर, मीन्स म्यूचुअल एजेंसी के अंदर आप म्यूचुअल फंड ब्रोकर बन सकते हो, ठीक है। बजट एनालिस्ट, कंपनी को टाइम टू टाइम अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे बजट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, है ना, तो आप बजट एनालिस्ट बन सकते हो कि बजट्स में ये बजट बनाने में कितने कॉस्ट आ रही है, बजट बनाने कौन सा बेस्ट है, कंपैरिजन करना, तो एनालिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी एनालिस्ट भी कर सकते हो, इस तरीके से काफी पोजीशंस आप कंपनी में होल्ड कर सकते हो। अब लिस्ट काफी बड़ी, कौन से आपको पोजीशन बताऊं मैं आपको, है ना, ओके। इसके बाद सेकंड आता है कि हम कौन सी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। नंबर 1, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हो आप कंपनी के अंदर, क्या बन सकते हो, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट मैनेजर बन सकते हो आप एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, है ना, कंपनी लॉ असिस्टेंट, क्योंकि आपने बीकॉम में और एमकॉम दोनों में आपने लॉ बेसिक पढ़ा है आपने, है ना, कंपनीज लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, है ना। काफी स्टूडेंट्स तो बीकॉम के बाद LLB भी ज्वाइन करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, लॉ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, है ना, तब कंपनी लॉ असिस्टेंट बन सकते हो। रिलेशनशिप मैनेजर बन सकते हो, क्या बन सकते हो, कम ऑन, क्या बोला, रिलेशनशिप मैनेजर,
सेल्स ऑफिसर ऑफिस डिपार्टमेंट में आप अकाउंटेंट की जॉब हैंडल कर सकते हो। इस तरीके से आपके पास ये सब जॉब पोजीशंस हैंडल करने के लिए रहेंगी, कौन से कहां कहां पे कौन से रोल प्ले करेंगे, टीचिंग लाइन में जाने तो क्या करना है, पोस्ट कंपनी में जाने तो कौन से अकाउंट्स के जॉब होंगे आपके पास, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है कि भाई एमकॉम करें या नहीं करें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कंपैरिजन के लिए वीडियो बता दिया मैंने आपके पास अवेलेबल है। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, जो भी एमकॉम करने में इंटरेस्टेड है उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट उठा सके। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जल्दी से अभी खोलिए उन्हें और वहां पे उनको फॉरवर्ड कीजिए, इसे अंडरस्टैंड कर सके जो सोच रहे कि हाँ भाई एमकॉम करे या एमबीए करे तो एमकॉम के बेनिफिट्स जो पोजीशन को देख सके, और ऐसे ही फ्यूचर में आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो अवेलेबल होती रहेगी जो आपकी कैरियर प्लानिंग में हेल्प करेगी। तो ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।